आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं और आज के चुनाव एक्सप्रेस एपिसोड में हम आपको बिहार नगर पंचायत चुनाव से अपडेट करेंगे। दरअसल बिहार में तय समय पर नगर निकाय चुनाव संभव नहीं, 9 जून के बाद प्रशासकों को मिलेगी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि बिहार में निर्धारित समय पर नगर निकाय चुनाव होने की संभावना क्षीण पड़ती जा रही है। यह माना जा रहा है कि 9 जून के बाद राज्य के नगर निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उनकी जगह पर आम चुनाव संपन्न होने तक नगर निकायों के लिए संचालन की जिम्मेदारी प्रशासकों को मिल जाएगी। सभी नगर निकाय बिना जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में अपना काम करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 245 नगर निकायों के चुनावों की तैयारी की जा रही है। इसमें अभी सिर्फ 74 नगर निकायों में वार्डों के गठन का काम पूरा हुआ है, जबकि राज्य की 81 नगर निकायों में वार्डों के गठन की कार्रवाई 30 मई तक पूरी की जानी है। जिन नगर निकायों में वार्डों का गठन किया जा चुका है, वहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश जिलों को दे दिया है। इनमें 81 नगर निकायों को छोड़कर शेष में मतदाता सूची तैयारी की जा रही है, जिसका अंतिम प्रकाशन 23 जून को किया जाना है। मतदाता सूची तैयार होने तक अधिसंख्य नगर निकायों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इधर निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ही मेयर, डिप्टी मेयर सहित वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच निराशा का माहौल है। नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों का कहना है कि सिस्टम अगर पूर्व से तैयारी करता तो नगर निकाय चुनाव समय पर संपन्न हो जाते। उनका यह भी कहना है कि पंचायत चुनाव को कोरोना के कारण टाल दिया गया था, जबकि नगरपालिका चुनाव को बेवजह निर्धारित समय पर नहीं कराया जा रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव में विलंब होने से स्थानीय सरकार की लोकतांत्रिक भागीदारी कुछ माह के लिए टल जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपडेट्स से बने रहने के लिए आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।